नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत सिंह होरा के वैवाहिक वर्षगांठ पर हुआ सेलिब्रेशन। ग्रैंड ग्रुप के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए की कामना। आज कार्तिक पूर्णिमा, दुर्ग संभाग के राजनांदगांव के शिवनाथ नदी में श्रद्धालुओं ने लगाया आस्था की डुबकी। भाजपा बागियों पर करेगी कार्रवाई, जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया का बड़ा बयान। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने कहा, निष्कासित नेताओं का कांग्रेस करेगी स्वागत। दुर्ग जिले के ग्राम विनायकपुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने। बजरंग दल ने घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर किया धरना प्रदर्शन। अब ग्रैंड न्यूज की खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और ग्रैंड ग्रुप के एमडी तरनजीत सिंह होरा के वैवाहिक वर्षगांठ पर देवेंद्र नगर स्थित उनके निवास पर छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में केक काटा गया। इस मौके पर तरनजीत सिंह होरा की माता कुलदीप कौर होरा, धर्मपत्नी नैना कौर और उनके दोनों सुपुत्र अश्वीर और गुरवीर सिंह होरा भी मौजूद रहे। केक काटने के बाद गुलदस्ता देकर बधाई दी गई। इस मौके पर टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और ग्रैंड ग्रुप के एमडी तरनजीत सिंह होरा के वैवाहिक वर्षगांठ पर उनको बधाई देने का क्रम शनिवार की देर रात और रविवार सुबह से ही चलता रहा। होटल एसोसिएशन और ग्रैंड ग्रुप से जुड़े लोगों ने उनसे मुलाकात कर और फोन पर बधाई दी। वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर देवेंद्र नगर स्थित निवास पर केक काटने का क्रम चलता रहा। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ टेनिस संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में केक काटकर तरनजीत सिंह होरा और नैना कौर होरा को बधाई दी गई। इस मौके पर रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अम्बिडारे समेत ग्रैंड ग्रुप के संपादक संजय शुक्ला, केबल कारोबारी अमोल गरुड़ी, घनश्याम पंजवानी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ टेनिस संघ महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा, ग्रैंड ग्रुप के एमडी का वैवाहिक वर्षगांठ है, वे इस मौके पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ग्रैंड ग्रुप के एमडी तरनजीत सिंह होरा का आज वैवाहिक वर्षगांठ है। हमारे ग्रैंड ग्रुप परिवार के ओर से सारे लोग उपस्थित होकर उनको बधाई दी है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हों, और ग्रैंड ग्रुप परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तारण सिंह होरा जी के आज शादी की सालगिरह के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ग्रैंड ग्रुप के एमडी तरनजीत भैया एवं भाभी जी का आज शादी की सालगिरह है। मैं ग्रैंड परिवार की ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज दुर्ग संभाग के राजनांदगांव स्थित शिवनाथ नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी में स्नान का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष दुर्ग संभाग के राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रहती है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आज के दिन स्नान के महत्व को भी बताया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी के तट में मोहरा मेला का 3 दिवसीय आयोजन भी किया जाता है। इस मेले की ख्याति राजनांदगांव सहित आसपास जिले में भी और बड़ी संख्या में लोग मोहरा मेले में शामिल होने पहुंचते हैं। बाइट 2 लोगों की VO2। कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान के धार्मिक महत्व की वजह से दुर्ग संभाग के राजनांदगांव के शिवनाथ नदी में स्नान के लिए मध्य रात्रि से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा और भोर से पूर्व ही श्रद्धालुओं ने शिवनाथ नदी में डुबकी लगाकर पूर्णिमा स्नान किया। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी नदी या तालाब में दीप दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी में दीप प्रज्वलित कर उसे बहते पानी में छोड़ा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने से घर में खुशहाली व सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दुर्ग संभाग के राजनांदगांव शहर के मोहरा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर एकत्रित होते हैं और नदी में स्नान कर पुण्य लाभ लेते हैं। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ स्नान की और दीपदान की
और भोलेनाथ का पूजा की और अब मेला के लिए मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बसंतपुर राजनांदगांव। हाँ, मेरे को 15 साल हो गए आते और ऐसे आते रहते हैं बीच में, ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है वैसे। और दीपदान सबको करना चाहिए क्योंकि कार्तिक का महीना सबके लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे देव को खुश करने का सबसे अच्छा टाइम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। चुनाव के बाद बागियों पर कार्रवाई करने के मूड में भाजपा, वहीं कांग्रेस का कहना है निष्कासित भाजपा नेताओं का वो करेगी स्वागत। बीजेपी के जिला अध्यक्ष बृजेश बिजपुरिया का कहना है कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अधिकृत प्रत्याशियों के द्वारा कई प्रकार की शिकायतें की जा रही हैं। अगर किसी भी प्रत्याशी या फिर भाजपा के नेताओं द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में काम करने की बात सामने आती है तो आगामी समय में ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। बृजेश बिजपुरिया ने बताया कि अब तक हालांकि किसी भी बीजेपी के प्रत्याशी ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन अगर शिकायत होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पूरे संगठन ने काम किया है। इसके बावजूद भी अगर कोई स्पेसिफिक से आएगा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में कि उसने काम नहीं किया है और उसकी जानकारी मिलेगी, उसके खिलाफ ऐसा प्रूफ मिलेंगे कि उसने काम नहीं किया है, पार्टी की व्यवस्थाएं बनी हुई है, पार्टी व्यवस्था के तहत उस कार्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। नहीं, अभी तक तो मेरे ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है किस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। अगर पर्टिकुलर जानकारी आएगी कि किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया है और काम नहीं करने के ऐसे उसके विरुद्ध सबूत मिलेंगे तो पार्टी की जो व्यवस्थाएँ बनी हुई है उसके अनुरूप उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर का कहना है कि बीजेपी के द्वारा जो भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को निकाला जाता है उनका कांग्रेस में स्वागत और वेलकम है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों में कई कार्यकर्ताओं और नेता ने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी का जमकर विरोध किया है और बीजेपी के 2 बड़े नेता जेपी यादव और संगीता केतन शाह ने तो निर्दलीय विधानसभा चुनाव भी लड़ लिया है। वैशाली नगर विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी रिकेश सेन का सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला था। इसके बाद भाजपा अब इन 2 प्रत्याशियों के अलावा 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पार्टी से निकालने की तैयारी में है। कांग्रेस निष्कासित हुए भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की तैयारी कर रही है। देखिए, मैं बीजेपी की ज्यादा तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे कांग्रेस के सभी साथीगण जो है पूरी ताकत से और पूरी ईमानदारी से काम किए हैं और यदि कोई ऐसी स्थिति होती है तो बीजेपी के लोगों का तो कांग्रेस में उनका स्वागत है, कांग्रेस सभी का स्वागत करती है और उनका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के विनायकपुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने। एक राय के मकान में चल रही थी प्रार्थना सभा, बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध में धरने पर बैठ किया हनुमान चालीसा का पाठ। दुर्ग जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यह ताजा मामला दुर्ग जिले के ग्राम विनायकपुर का है। बजरंग दल का आरोप है कि विनायकपुर गांव में एक धर्म विशेष के लोग किराए के मकान में प्रार्थना सभा चलाते हैं। ये लोग गांव के सीधे साधे गरीब लोगों को प्रलोभन देते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। गांव के कुछ महिला संगठित होकर प्रार्थना सभा को बंद कराने पहुंची। इस पर धर्म विशेष के लोग नाराज हो गए। उन लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। इसके बाद बजरंग दल के लोगों ने भी उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए मकान किराए पर दिया है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मौके पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। जिस मकान में प्रार्थना सभा चल रही थी वह मकान के बाहर धरना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। होड मुबारक सब नूए जो कड़ियां आईयां जी, गुरपुरब दिया सारे आलू होड वदाईयां जी। धन धन गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पे मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को, विदेश में रहने वाले समूह साध संगत को और सभी लोगों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
साथ ही यह कामना करता हूँ कि गुरु नानक देव जी किसी एक समाज के आराध्य देवता आराध्य नहीं थे, वो सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति थे। हम उनके आदर्शों पे चलेंगे तो निश्चित रूप से ये भारतवर्ष जो है एक महान भारतवर्ष बनेगा, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। Today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage, and you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. बाद आप सभी का स्वागत है। भारत और सोवियत रूस की मित्रता का प्रतीक मैत्री बाग जू क्यों है खास? ग्रैंड न्यूज की खास रिपोर्ट। भारत और सोवियत रूस की मित्रता का प्रतीक मैत्री बाग जू को माना जाता है। एशिया के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट के अधीन स्थित रूस और भारत के मैत्री के प्रतीक मैत्री बाग जू है। इसकी स्थापना सन 1972 में हुई थी। वहीं बता दें कि जू 111 एकड़ तक फैली हुई है। ये जो वाइट टाइगर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ अलग अलग प्रजातियों के पशु पक्षी आपको देखने मिलेंगे। बता दें यहाँ कुछ महीने पहले ही 3 वाइट टाइगरों का जन्म हुआ था और यहाँ अब कुल 9 वाइट टाइगर हो गए हैं। यहाँ के मैनेजर डॉक्टर नवीन कुमार जैन ने बताया कि भिलाई से अब तक 12 वाइट टाइगर भेजे जा चुके हैं। वहीं बताया कि यहां हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। वहीं साल में 10 लाख से ज़्यादा पर्यटक यहां घूमने आते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यहां कई विदेशी पशु पक्षी जो है आकर्षण का बिंदु बनी हुई हैं। बता दें दुर्ग के मैत्री बाग में भी एक कर वाइट टाइगर की मौत के साथ संख्या घटती जा रही थी, मगर इस बीच सुल्तान और रक्षा के साथ ब्रीडिंग करवाई गई थी, जिसका परिणाम यह निकला कि 28 अप्रैल को वाइट टाइगर का कुनाप बढ़ गया। रक्षा ने एक साथ 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया, जिनका नाम रुस्तम, राणा और बॉबी रखा गया है। आगे बताया कि मैत्री गार्डन के केज नंबर 7 में सफेद बाघ के 3 शावक रुस्तम, राणा और बॉबी अपनी मां के साथ पिंजरे में इधर उधर घूम रहे हैं। लंबे समय के बाद मैत्री बाघ में सफेद बाघ के शावक देखने मिल रहे हैं। मैत्री बाघ में 2003 में शावक की किलकारी गूंजी थी और उन्हें नन्हे मेहमान ने मैत्री बाघ में कदम रखा था। यह पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं घूमने आए लोगों ने कहा कि मैत्री बाग जू लो कॉस्ट में सबसे बढ़िया है। यहाँ ग्रीनरी भी है जिसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं बच्चों ने कहा कि वाइट टाइगर को देखकर वो खुश हुए।
नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। इस वक्त हम मैत्री गार्डन जो चिड़ियाघर में हम मौजूद हैं। इसे भारत और सोवियत रूस की जो है मित्रता का प्रतीक माना जाता है। दरअसल इसका जो ये 1972 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये जो पूरा मैत्री बाग चिड़ियाघर जो है वो 111 एकड़ तक में जो है बना है। इसकी खासियत है कि यहाँ से पूरे भारत में जो है वाइट टाइगर जो है यहाँ से भेजे जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मैनेजर नवीन, डॉक्टर नवीन जैन सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर ये मैत्री गार्डन को और क्या चीज़ें जो है खास बनाती है। सर, पहले तो आपका ग्रैंड न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मतलब ये वाइट टाइगर के नाम से बहुत ज़्यादा जाता है, ये तो क्या कुछ खास है? अब तक भारत में जो है कितने वाइट टाइगर आप लोग भेज चुके हैं? मैत्री बाग चिड़ियाघर 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था और भारत और रूस का एक मैत्री का प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद हमारे मैत्री बाग में जो 1997 में एक जोड़ी वाइट टाइगर लाए थे तरुण तापसी, और उनकी संतुष्टि के बाद हमारे पास लगभग पिछले साल तक हमने लगभग 12 वाइट टाइगर देश के अन्य राज्यों में दिया गया है, जिसमें से हमने लखनऊ, आपका मुकुंदपुर, इंदौर, बोकारो और राजकोट में दिया हमने। यहाँ पे कितने की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर देखने आते हैं, क्योंकि ये देश भर में चर्चित है, तो क्या कुछ कितना कुछ यहाँ पे जो है भीड़ जमा रहता है? निश्चित तौर पे बहुत ही लोग यहाँ पे पर्यटक लगभग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा से आते हैं, और काफ़ी संख्या में डेली लगभग 2 से 3 हज़ार पब्लिक आती है। संडे को खासकर 5 हज़ार तक की पर्यटक आते हैं, और ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है हमारा मैत्री बाग। अभी कुछ समय पहले ही वाइट टाइगर ने बच्चे दिए थे, उसको लेकर के लोगों में कैसा जो है उत्साह देखने को मिला था? बहुत ही काफ़ी उत्साह देखने, जब से हमारे यहाँ 3 बच्चे का कब्स हैं और उन्हें काफ़ी डिस्प्ले में रखे गए हैं, तो हमारा मेन बच्चों जो आते हैं उनके पेरेंट्स आते हैं, वहाँ पे भीड़ लगा के उसी काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, उनको देखते हैं, और बच्चे भी बड़े हमारे जो वाइट टाइगर के कब्स हैं नॉटी हैं, वो काफ़ी खेलते उछलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अक्सर जो है देखा जाता है कि लोग मैत्री घूमने ही आते हैं यहाँ पे। और क्या क्या जो है जानवर हैं यहाँ पे आप लोग जो रखे हैं, क्या पशु पक्षियाँ जो है यहाँ पे सभी जो है वैरायटीज आप लोग रखते हैं? कौन से विदेशी पक्षी जो है आप यहाँ पे जो लाते हैं, वो जो वाइट टाइगर के बाद जो है आकर्षण का केंद्र है? यहाँ पे लगभग हमारे पास 400 एनिमल्स हैं, जिसमें हमारी लगभग 35 स्पीसीज हैं, और खासकर हमारे यहाँ जो बाहरी जो बोल रहे हैं इमू है, जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, और लव बर्ड्स हैं, और काकतुआ है, ये सब एक्जोटिक बर्ड्स हैं। बाकी इंडिजिनस में ब्लैक बग है जो मिग नैनी बोलते हैं, वो भी आकर्षण का केंद्र है। लेपर्ड्स हैं, लाइन हैं, हाइना हैं, जैकाल हैं, स्पॉटेड डियर हैं, सामर, काफ़ी वैरायटी के हमारे पास पशु पक्षी हैं। तो आपने जैसे कि आपने जाना कि मैत्री बाग को वाइट टाइगर के अलावा और क्या जो चीज़ें खास बनाती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए सुरभि वर्मा की रिपोर्ट। खुशबू बोली बता दीजिए ना, कहाँ से आए हैं? हम लोग शंकर नगर दुर्ग से आए हैं जी। क्या कुछ खास यहाँ पे आप लोगों को लगता है, जो आप लोगों की फैमिली आए हैं? नहीं, मिनी पिकनिक मनाने के लिए है, क्या है, बच्चों को दिखाने के लिए चिड़ियाघर है, तो सभी को जानवर दिखाने के लिए छोटे बच्चों को, है ना बाबू? जी, संडे स्पेशल बच्चे लोगों को दिखाने के लिए, इनको भी देखने का शौक है। कहाँ से आए हो आप? मैं हरिनगर दुर्ग। हरिनगर दूर से आए, संडे स्पेशल पिकनिक मना रहे हैं? हाँ, और यही गार्डन वगैरह देखने और एनिमल्स को। क्या कुछ खास लगा आप यहाँ पर आई आप देखी को? टाइगर ज़्यादा खास लगा मुझे, क्योंकि टाइगर लाइक वाइट टाइगर है, कुछ स्पेशल लगता ही है। वाइट टाइगर पसंद आया, और बाकी एनिमल्स? वो भी अच्छे लगे, लेकिन वाइट टाइगर ज़्यादा स्पेशल था, और रैबिट। हम लोग इधर के नहीं हैं, रायपुर से आए हैं, मुआ, तो इधर घूमने आए, बहुत अच्छा लगा, स्पेशली बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बस एक्सपीरियंस अच्छा लगा जू का। अरे टाइगर बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि वो दो छोटे छोटे बच्चे थे तो वो बहुत खेल रहे थे, उसको अच्छा लगा, बाकी सब अच्छा ही लगा, बच्चों बहुत इंजॉय की, वही हमारे लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ बहुत कुछ अच्छे 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 जानवर भी देखने मिल गए हैं, पर पक्षियाँ भी बढ़िया है यहाँ पर।
उनके लिए पहली बार देखने मिल रहा है और अनोखा लगा, सब बच्चे खुश है इसमें। कैसे पतले पतले से दिखते हैं, तो हमारी इच्छा है कि उनको अच्छे से खाना दे। वो जल्दी बड़े हो, लेकिन स्कूल के बच्चे, स्कूल के बच्चे या आने वाले कोई भी लोग हो, उनको ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, थोड़े और हेल्दी दिखेंगे और बड़े दिखेंगे, और ज्यादा लोग आए, और ज्यादा लोग आए। तो आपने सुना कि किस तरह जो लोग हैं यहाँ पे आना पसंद करते हैं, उनको इस जगह भी काफ़ी पसंद आती, काफ़ी लुभाती है, घूमने के लिए भी अच्छी जगह है, गार्डन भी है बच्चों के लिए, वाटर फाउंटेन भी है, कलरफुल फाउंटेन जिसमें हम कह सकते हैं, काफ़ी जो है ये लोगों को आकर्षित करती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए सुभी वर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव में 75वीं एनसीसी दिवस समारोह का आयोजन जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में 75वीं एनसीसी दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एनसीसी कैंडिडेटों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें एनसीसी दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी और कर्तव्य निष्ठा व अनुशासन की शपथ भी दिलाई। बहुत अच्छा है, एनसीसी दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही आज हमारे संविधान दिवस भी है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और एनसीसी का जो कार्य है उसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि देश की ये द्वितीय, हमारे रिजर्व सेना के रूप में हम इनको मान सकते हैं, सैनिक के रूप में, और देश सेवा अनुशासन ही इनका पूर्ण लक्ष्य है जिस पर ये लगातार खड़े उतरे हैं, और इसी प्रकार से ये हमारे देश सेवा अनुशासन के लिए खड़े उतरे हैं, देश विकास में सहयोगी रहें एनसीसी, इन्हीं के लिए हम इनको एनसीसी दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। एनसीसी दिवस समारोह का शुभारंभ ध्वजारोहण कर किया गया, इसके बाद मार्च पास्ट कर सलामी दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति का संदेश वाचन किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी कैंडिडेटों के बीच फास्ट रेस पहनो प्रतियोगिता, स्लो साइकिल रेस सहित विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। एनसीसी कैंडिडेटों ने कहा कि इस क्षेत्र में आकर हमें काफी खुशी हुई। ऑल ऑफ यू, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर चांदनी राजपूत फ्रॉम डीएमवी कॉलेज, आज यहाँ 75वां हमारा एनसीसी डे मनाया जा रहा है, जो कि हर साल हमारे एक्स सीनियर क्रेडिट एनसीसी के, इनके द्वारा ये सब कार्यक्रम का आयोजन होता है। हम प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। इससे यह पता चलता है कि एनसीसी के क्रेडिटों को एनसीसी से कितना लगाव है। एनसीसी के एकता और अनुशासन का यहाँ प्रदर्शन होता है, सभी को इससे प्रेरणा मिलती है कि उन्हें किस प्रकार एक साथ रहना है, एक साथ मिलकर एकजुट होकर कार्य करना है। यह हमारा उद्देश्य है और संदेश है कि सब एक साथ होकर अपना कार्य करें, भाईचारे का भावना रखें एक दूसरे के प्रति। प्रतिवर्ष देश भर में नवंबर माह के अंतिम रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष एनसीसी की 75वीं स्थापना दिवस मनाया गया है। राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में एनसीसी कैंडिडेट अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई में सजा तिब्बती शरणार्थियों का वुलन बाजार, बाजार में नहीं दिखी रौनकता, व्यापारियों ने बताया कारण। सर्दी का मौसम अन्य राज्यों और देशों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोल देता है। हर वर्ष तिब्बती शरणार्थी यहाँ उन्हीं कपड़े बेचने आते हैं, वे अक्टूबर से जनवरी तक शहर में रहते हैं। तिब्बतियों ने सेक्टर 1 में अपना दुकान लगाया है, यहाँ लगभग 25 स्टॉल लगाए गए हैं। वे पिछले 40 वर्षों से भिलाई आ रहे हैं। कर्नाटक, राजस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों और नेपाल से भी लोग सर्दियों के कपड़े बेचने के लिए स्टॉल लगाने के लिए यहां आते हैं। इस तिब्बती बाजार में किफायती दरों पर विभिन्न प्रकार के स्वेटर, जैकेट, शॉल, दस्ताने, स्कार्फ और कोट प्रदान करता है। सर्दियों के मौसम की तैयारी कर रहे नागरिकों के लिए तिब्बती बाजार सर्दियों के दौरान वन स्टॉप शॉपिंग सेंटर बन गया है। यहाँ बेंगलुरु से आए एक रिटायर्ड फौजी ने बताया कि वो 2001 में रिटायर्ड होने के बाद अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए भिलाई में मार्केट लगाना शुरू किया। वहीं आगे कहा कि 2021 से पहले मार्केट काफी अच्छा चलता था, मगर कोविड के समय से ही मार्केट सूना है। लोग आते हैं लेकिन पहले के मुकाबले अभी बिक्री कम है। उन्हें उम्मीद है कि दिसंबर के आते आते उनकी बिक्री होगी। आगे कहा कि मार्केट इसलिए भी खाली रहता है क्योंकि अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, मॉल जैसे जगहों से खरीदना पसंद करते हैं, मगर यहां उन्हें काफी कम दामों में वही कपड़े मिलेंगे। हमने लागत पर चर्चा की तो उन्होंने आगे कहा कि मार्केट इसलिए भी खाली रहता है क्योंकि अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, मॉल जैसी जगहों से खरीदना पसंद करते हैं। वहीं जब हमने कस्टमर से मार्केट पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वे भी सालों से यहां आकर
वुलन कपड़ों की खरीदी करते हैं जो उन्हें हर बार मार्केट आने को आकर्षित करता है। यहाँ बहुत अच्छा रहता है, हम लोग और हर साल आते हैं यहाँ लेने के लिए। जी यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रहती है क्या? जी अच्छी रहती है, सब अच्छा रहता है। साल ले गए, स्वेटर ले गए, जैकेट वैकेट सब यहीं से ले जाते हैं। क्वालिटी अच्छी रहती है। ये जो मार्केट में ना तो लगभग 90% आगे हिमाचल से आए हुए होते ना, सिर्फ मुझे छोड़ के मैं आता हूँ बैंगलोर से, क्योंकि 70% जो टिबेटन्स जो इंडिया में है वो साउथ में है, कर्नाटका में। तो ये विंटर सीजन के लिए लगभग सारे हमारे जितने भी हमारे कौम के जो तिब्बती है वो सारे विंटर के लिए ये इसी वुलन बिजनेस के लिए ऑल ओवर इंडिया में फैल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ भिलाई में आ गए, तो पिछले 40-45 साल से जो आए थे हम यहाँ पे, इस बार का क्या मार्केट तो पिछले कई बार से मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मतलब कुछ खास हो नहीं पा रहा है कुछ नहीं, क्योंकि बैंगलोर से यहाँ तो सिर्फ एक ही रात का तो सफ़र है, वहाँ से ना 24 घंटे की लगता है यहाँ पे ट्रेन में, और बाकी तो फिर इन्होंने जैसे हम लोग सब साथ में आते हैं उधर से जो माल लेकर के। आप स्टॉल लगाने का तो ये BSP से परमिशन देना पड़ता है, उसके बाद में फिर ये जब ये जो वहाँ से जो अलॉटमेंट हो जाता है तो हम लगा देते हैं, क्योंकि इलाका भी BSP का है तो हमेशा BSP के पास जाना पड़ता है। और एक वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में, जैसे हमारा कोई अभी तक कोई गलती हमारा कोई केस नहीं है, तो वहाँ से एक लेना पड़ता है तब ये लग जाता है दुकान यहाँ पे। ऐसे ना ऐसे हमेशा कुछ सोच के नहीं आता हूँ, बस अभी यहाँ कुछ हो जाए जितना मिल जाए ठीक है, लेकिन हर बार तो उम्मीद पे बराबर ये तो चल नहीं पाता, क्योंकि अब कई साल हो गए यहाँ पे, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेके अब तक में कुछ खास हो ही नहीं पा रहा। मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, पेंशन छोड़कर इंडियन आर्मी में 22 साल बैठा हूँ और 2001 में रिटायरमेंट लिया हूँ, और तब से लेके यहाँ पे ये तो हमारे जो बुजुर्ग लोग पहले से चला रहे हैं इसको, तो मैंने 2001 में ज्वाइन किया इसको, यहाँ काम ये काम पहले से चालू है, परिवार चला रहे इसको ना, यानी पैतृक काम है। हाँ जी हाँ जी, इस पर आप बोल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई के संविधान मेले में हिंदू धर्म विरोधी प्रदूषित रामायण किताब पर बवाल बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया सुपेला थाना का घेराव। 26/11/2023 दिन रविवार को छत्तीसगढ़ बजरंग दल के विभाग संयोजक रवि निगम के नेतृत्व में सुपेला थाना में प्रदर्शन एवं घेराव किया गया। सर्वसाधारण को विदित हो कि कोसानाला के पास रेलवे की जमीन से लगे रिक्त भूमि पर आयोजित संविधान मेले में खुलेआम स्टॉल लगाकर हिंदू धर्म को आहत कर हिंदुत्व के विरुद्ध आपत्तिजनक किताबों को बेचा जा रहा था, जिसका मूल उद्देश्य हिंदू धार्मिक उन्माद भड़काना रहा है। बजरंगियों को जब ये भनक लगी तो तत्काल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के विलंब होने पर बजरंगी थाने पर ही भड़क गए और प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। तब भारी दबाव के बीच CSP ने खुद संज्ञान लेकर FIR दर्ज करने का आदेश दिया, तब बजरंगी शांत हुए। लगभग 3 घंटे तक थाना परिसर में गहमा गहमी वातावरण बना रहा। थाना प्रभारी की भूमिका से सभी बजरंगी नाराज होकर जमकर नारेबाजी किए। भारी मशक्कत और दबाव के बाद CSP के द्वारा 295A के तहत कार्रवाई की गई। मीडिया से बात करते हुए रवि निगम ने प्रशासन को चेताया कि अगर आगे ऐसा हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। ज्योति शर्मा ने सीधे चुनौती देते हुए कहा कि सभी बजरंगी भाई हिंदुत्व पर हुए आघात पर कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। दुर्गा वाहिनी से ज्योति दीदी, ईश्वर गुप्ता, कुशल तिवारी, ऋतिक सोनी जैसे आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर उठा के बोल रहे हैं सर,
सुपेला में आज 26 नवंबर के आयोजन को लेकर बौद्ध समाज के द्वारा कुछ आयोजन किया गया था। उसमें एक आयोजक मंडल के इतर किसी दूसरे के द्वारा जो समाज पुस्तक बेचने के संबंध में कुछ स्टॉल लगाया गया था, उस स्टॉल में कुछ पुस्तकों पर आपत्ति दर्ज की गई थी। तो उस आपत्ति को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है और उनके आवेदन के आधार पर FIR की कार्रवाई की जा रही है। ये तो जांच का विषय है भी, जो जितने लोग इसमें संलिप्त रहेंगे वो सबके नाम किया जाएगा। आयोजन समिति का कहना है कि ये उनके द्वारा नहीं किया गया है, बाहर से आया हुआ जो पुस्तक का स्टॉल जो लगाया गया है उसके द्वारा बेचा जा रहा है। जब्ती वगैरह सर, वो जब्ती जांच का विषय है और प्रक्रिया का भाग है, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तो उनकी कंप्लेंट किया गया उसी के आधार पर तो कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।